हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको अमेरिका का बस दिखाने वाली हूं। अंदर से अंदर जाऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि बस के अंदर क्या क्या फैसिलिटी होती है यहां अमेरिका में और यहां की बसेस कैसे अलग होती हैं इंडिया की बसेस से। तो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ मैं आज, तो बने रहिए इस वीडियो पे। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आप सबको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ के बसेस कैसे होते हैं। और गाइज, अगर आप सबने मेरी ट्रक वाली वीडियो नहीं देखी है जहाँ मैंने आप लोगों को ट्रक ड्राइवर की सैलरी बताई है और ट्रक को पूरे अंदर से दिखाया है, तो ये रही वो वीडियो। ये वीडियो भी जाके देख लें क्योंकि आप लोगों को यहाँ के ट्रक के बारे में जानने को मिलेगा जो कि बहुत अलग है इंडिया के ट्रक से। तो गाइज, चलिए बस के अंदर चलते हैं और अंदर से मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ। इंडिया में बस ड्राइवर्स आपको हार्डली कोई फीमेल बस ड्राइवर दिखेगी, पर यहाँ अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स भी फीमेल होती हैं, बस ड्राइवर्स भी फीमेल होती हैं। ऐसा नहीं कि ये सारा सिर्फ मेल लोगों का ही काम है, यहाँ फीमेल ड्राइवर्स भी होती हैं। तो अभी जो बस मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को, उसकी ड्राइवर फीमेल होगी। और जो ये बस स्टॉप है गाइज, आप देख सकते हो शेड बना होता है क्योंकि अमेरिका में बर्फबारी भी होती रहती है, तो शेड ज़रूरी है। और एक छोटा सा बेंच लगाया होता है और बेंच के साथ आपको बगल में ट्रैश का कैन भी दिख जाएगा क्योंकि अमेरिका बहुत ही साफ सुथरी कंट्री है। अमेरिका में बहुत क्लीन रखते हैं अपनी कंट्री को, रोड्स को। ये रही सामने बस, ये आ गई है स्टॉप पे। तो गाइस, चलिए बस के अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को अमेरिका का बस दिखाती हूँ अंदर से। तो आप जैसे ही अंदर आते हो, यहाँ पे बस ड्राइवर बैठा होता है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आप कार्ड लगा सकते हो, तो कार्ड आपका स्कैन करके बिल पे हो जाता है। आप टिकट खरीद सकते हो और साथ में नोट भी डाल सकते हो, प्लस कॉइन भी डाल सकते हो। तो देखिए, कॉइन के लिए अलग से बना हुआ है। चलिए इधर, ये बस है अंदर से। सो बेसिकली अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो देखिए काफ़ी सारे मास्क दिए हुए हैं पब्लिक के लिए, और सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। तो सैनिटाइज़र भी आप लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और बैठने के लिए ये हैंडीकैप के लिए लोगों के लिए यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 7-8 सीट्स अलग से रिजर्व्ड हैं जिसपे बाकी लोग नहीं बैठ सकते। यहाँ से पैसेंजर सीट शुरू हो जाती हैं गाइस। अगर आप खड़े हो तो खड़े रखने के लिए, देखिए इंडिया में भी जैसे ये लगा होता है, यहाँ पे भी होता है। पर एक अच्छी चीज यहाँ पे ये है, ये देखिए येलो कलर का जो वायर आप देख रहे हो, तो जैसे मैं यहाँ बस के अंदर बैठी हुई हूँ अभी और आगे मेरा नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है, तो ये मैं खींच दूंगी। और जैसे ये मैं खींचूंगी तो ड्राइवर को सिग्नल ये चला जाएगा कि बस रोकना है अगले स्टॉप पे किसी पैसेंजर के लिए। यहाँ अमेरिका में हर जगह बीच में बसेस नहीं रुकती, बस वहीं रुकती है जहाँ उसका स्टॉप होता है। तो बस पैसेंजर को सिग्नल देना होता है ड्राइवर को, ये येलो वायर खींच के, और सिग्नल चला जाता है और बस को रोक देता है ड्राइवर आगे नेक्स्ट स्टॉप पे। तो देखिए ये काफ़ी सारा पीछे है और दो डोर होते हैं, जैसे इंडिया में भी दो डोर्स होते हैं बसेस में, बड़ी बड़ी अगर बसेस होती हैं तो यहाँ अमेरिका में भी दो डोर्स है, प्लस साथ में ये पीछे पूरा बैठने का है, तो यहाँ तक लोग बैठते हैं ऐसे। सो और गाइज, यहाँ लिमिट जो है 20 पैसेंजर का ही होता है, डिपेंड करता है बसेस पे कितनी बड़ी बस है। तो जितनी भी बड़ी बस होगी और जितने सीट्स होंगे उतना ही लिमिट होता है, ज्यादा लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। और गाइज, बस में यहाँ मंथली पास भी होता है, वीकली पास भी होता है और डे पास भी होते हैं। तो आप जितना भी फ्रीक्वेंटली कम्यूट करते हो, जो भी आपकी जॉब है उसके हिसाब से आप पास लेते हो। सो आप पास ले लीजिए और बस से जहाँ मर्जी आप कम्यूट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी सुविधा है। और बस वगैरह के लिए ऐप होता है फोन में, जहाँ कि आप ऐप से देख सकते हो कि बस कितने बजे आने वाली है। और तो और यहाँ बस एक मिनट भी लेट नहीं होती अपने टाइम से, इंडिया की तरह नहीं कि कभी भी चल रही है ट्रैफिक की वजह से लेट हो रही है, यहाँ ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जो भी बसेस होती हैं बहुत टाइम पे चलती हैं, मैं कह सकती हूँ 95-99% बसेस यहाँ टाइम पे चलती है, कभी भी आपको लेट नहीं मिलेगी कोई भी बस। आप देख सकते हो ये वाली ऐप में कैसे दिखाते हैं कि इस स्टॉप पे 9 मिनट में बस आने वाली है, फिर सेकेंड जो बस होगी 27 मिनट में आएगी। तो ये बेसिकली अगर बाई चांस कोई भी बस लेट हो जाती है तो ये ऐप रिफ्रेश हो जाता है और आपको राइट टाइम दिखाता है।
तो ये यहाँ का बस का ऐप है, रियल टाइम बस ट्रैकर। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। चलिए बस के बाहर चलते हैं। देखिए काफी सारे इंफॉर्मेशन रखे रहते हैं पैसेंजर्स के लिए, तो आप ये सब देख सकते हो कौन से स्टॉप पे बस रुकेगी, ये सब चीजें होती है। और बस फुली एसी होता है या हीटेड होता है, ठंड में हीट होता है, तो जो भी है। सामने आप देख सकते हो इस बस की ड्राइवर लेडी हैं। गाइस मैंने आप लोगों को बस, अमेरिका का बस अंदर से दिखाया अच्छे से कैसा होता है। और ये बहुत ही बिजी बस स्टॉप है, यहाँ पे आप लोगों को काफी सारी बसेस आती जाती नजर आएंगी। देखिए मेरे पीछे एक और बस आई हुई है। और यहाँ अमेरिका में लेडीज भी होती हैं, लेडी बस ड्राइवर। जो खड़ी थी वो ड्राइवर थी ये बस की, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया कि मैं वीडियो ले सकती हूँ। और पीछे आप देख रहे हो तो वो एक मेल ड्राइवर है, तो यहाँ मेल फीमेल दोनों होते हैं। चलिए पीछे वाले ड्राइवर से चल के कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बस ड्राइवर्स की सैलरी वगैरह क्या है। सैलरी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और गाइज अमेरिका की बसेस में एक और फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप देख रहे हो जो स्टैंड है सामने, अगर आप साइकिल से आए हो अपना साइकिल आप यहाँ पे स्टैंड पे लगा सकते हो, और जहाँ पे भी आप बस से उतरोगे वहाँ से अपना साइकिल लेके निकल सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। देखिए कितनी सारी बसेस आ रही है यहाँ पे, डबल डेकर बसेस भी होती हैं, पर ये बस तो अभी खैर एक ही है। तो डिपेंड करता है आप किस सिटी में हो और कितना क्राउडेड वो जगह है, कितने लोग बस में बैठते हैं, तो वो सब देख के ही बसेस अवेलेबल होती है उस सिटी में। देखिए पीछे मेरे बस आ गई है, तो जिसको भी अभी बैठना हो वो बस के अंदर जा सकता है। तो ये सिस्टम है, अब ये निकल गई बस। सो गाइज अगर मुझे यहाँ पे अमेरिका में जानना है कि कौन सी बस कितने बजे आएगी, तो ऐप होते हैं, इस ऐप का इस्तेमाल करके मैं देख सकती हूँ कि कौन सा बस अभी आने वाली है। और इस स्टॉप पे हर स्टॉप का नंबर होता है, इस स्टॉप का अगर आप नंबर की बात करोगे तो वो 28 नंबर, आप देख सकते हो मेरे पीछे 28 नंबर। तो मैं यहाँ पे फिल्टर भी कर सकती हूँ बाई स्टॉप आईडी, तो मैं यहाँ पे 28 नंबर डालूंगी और मुझे बसेस की लिस्ट मिल जाएगी कि इस स्टॉप पे कौन कौन सी बस आने वाली है अगले आधे एक घंटे में। तो ये सारी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं गाइस, सैलरी की बात करते हैं। तो जैसा मैंने अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग या बाकी सारी वीडियोस में भी बताया हुआ है, सैलरी आपकी डिपेंड करती है आपके स्टेट पे जहां आप रह रहे हो। कि अगर न्यूयॉर्क में आप बस ड्राइवर हो तो आपकी सैलरी पर मंथ $5,000 के अराउंड होगी। अगर आप एलए में रह रहे हो तो आपकी सैलरी $4,000 पर मंथ होगी। तो वैसे ही अलग अलग जगह की अलग अलग सैलरी है। और अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये सैलरी को मल्टीप्लाई कर लो 74 से, आज का जो डॉलर रेट है, और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। सो गाइज आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। तो मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और ऐसे ही मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए बनाती रहूंगी। पर अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मैं 100% कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। गाइज मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अमेरिका की लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, या जो भी लोग मेरे चैनल को देखना पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाऊं। और अच्छा का मतलब ये है मेरे लिए कि मैं सच, जो सही इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूं। तो जो भी मैं अपनी वीडियोस में दिखाती हूं गाइज, बहुत ही जेन्युइन कंटेंट होता है, बहुत ही सच्चा कंटेंट होता है। मैं बात करती हूं लोगों से जाके और आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूं कि वो लोग जो भी बताते हैं यहाँ अमेरिका में। ऑलराइट गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। तो चलिए ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में। और गाइज मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे पोस्ट डालती रहती हूँ, तो अगर आप सब मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरी आईडी ये रही, फिट लाइफ बाय अमिता। तो आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे फोटोज वीडियोज पोस्ट डालती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपको उससे भी काफी अमेरिका देखने को मिलेगा। सो ऑलराइट गाइज स्टे हैप्पी स्टे फिट बाय।